ग्राम पंचायत में पैसा न होने पर गोवंश भूख के संकट में। बसरेहार विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरपुर लोहिया में बनी गौशाला जिसमें 156 गौवंश रखे गए। ग्राम पंचायत में पैसा न होने पर गोवंश भूख के संकट में फंस चुके हैं। गौशाला में रह रहे कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। ग्राम प्रधान दया शंकर ने बताया 3 अक्टूबर से पैसे बिना भूसा का संकट पड़ने लगा, जबकि 1,30,000 लगभग भूसा का कर्जा हो चुका, जिसकी शिकायत अधिकारियों को बता दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और गौशाला में ग्राम पंचायत से 6,000 ईंट लाई गई, वह अभी 3 महीने से गौशाला में बिखरी पड़ी, उसी में गोवंश टकरा कर गिर पड़ते हैं और घायल हो जाते हैं। इटावा बरेली हाईवे से गौशाला के लिए रोड पर इतने गड्ढे हो चुके कि भूसा के लिए गाड़ी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही है। गौशाला में रह रहे कर्मचारी अरविंद कुमार, आदेश कुमार, प्रदीप कुमार, अरविंद, चारों कर्मचारियों के 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही है। और ग्राम प्रधान दया शंकर ने बताया इस गौशाला को या तो काम करा दिया जाए, नहीं तो गोवंशों को परौली रामायण में शिफ्ट किया जाए। क्या नाम है आपका? दया शंकर। आप ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान बहादुरपुर लोहिया। अच्छा जी, गौशाला क्या मैटर है? गौशाला में, गौशाला का मैटर ये, यहाँ पे भूसा की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है। कम से कम 1,30,000 रुपए उधारी हो चुकी है जी, जिससे किसान जहाँ से भूसा आता है वो परेशान है और कोई प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं है। क्या दिन हो गए भूसा की किल्लत परेशानी? भूसा की किल्लत बराबर पूरे महीने से चली जा रही है, पूरे महीने उधारी भूसा यहाँ खा रहे हैं गोवंश। कितने गोवंश रखे हैं यहाँ? 156 इस समय मौजूद है। लेबर कितनी है? लेबर 4। लेबर का पैसा कब तक का बकाया है? लेबर का पैसा जून से लेके अब तक का बकाया पड़ा हुआ है, कोई पेमेंट नहीं हो पाया। भूसा के लिए बड़ा संकट, भूसा की तो इतनी बड़ी संकट है कि जब आते हैं तो उधारी गाड़ियां आती हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। कब से नहीं बढ़ रही? अब ये ऐसे ही मान लिया जो ये देख रहे हो आप, खरंजा पड़ा है, ये ऐसे ईंट के चट्टे लगे हैं, इसमें जानवर टकराते मरते हैं, कोई सुनवाई नहीं, नहीं सुनवाई हो रही है और नहीं सुनवाई हो रही है, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया या हटाया जाए। प्रधान जी, आपने शिकायत नहीं की अधिकारियों? शिकायत काफी अधिकारियों से सबसे बात चलती है, लेकिन आज के कल करके टाल दिया जाता है यहाँ। हाँ, ये ईंटें फीटे पड़ी है जिसमें टकरा रहे गोवंश और घायल पड़े हो जाते हैं इसमें, तो ये तो बहुत खतरा है, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। प्रशासन को कतई ध्यान नहीं है इस चीज पे, प्रशासन को अगर ध्यान होता तो मतलब ये गौशाला बहुत आगे हो जाती है।